नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। कोरोना संक्रमण को लेकर के लापरवाही मत बरतिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है तेजी से बढ़ रही है। जी हां, आपको बता दें कि प्रोटोकॉल का पूरा पूरा ख्याल रखिए, पालन कीजिए, क्योंकि 4 दिनों में बिहार में कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं 73% तक बढ़ गए हैं। जी हाँ, ये बेहद ही डरावनी खबर है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें, कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच यह संकेत ठीक नहीं है। यह स्थिति साफ बता रही है कि अनलॉक में लापरवाही हो रही है। इससे संक्रमण का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। 4 दिनों में कुल 412 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान एक भी दिन आंकड़ा कम नहीं हुआ है। 72 से संक्रमण का आंकड़ा 125 तक पहुंच गया है। जी हाँ, 12 जुलाई को बिहार में 72 नए मामले आए थे। अगले ही दिन आंकड़ा 100 पार कर गया, यानी 13 जुलाई को 102 नए मामले सामने आए। वहीं 14 जुलाई को नए संक्रमण का आंकड़ा 113 पहुंच गया, जो 15 जुलाई को 125 आ गया। 12 जुलाई को 120,000 लोगों की जांच में 72 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 13 जुलाई को 122,000 लोगों की जांच में 102 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई। 14 जुलाई को 122,819 लोगों की जांच में 113 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए। वहीं 15 जुलाई को हुए 120,000 लोगों की जांच में 125 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। अब गणित यह समझिए कि 12 जुलाई को 120,073 लोगों की जांच में 72 पॉजिटिव मिले और 15 जुलाई को 120,000 की जांच में 125 पॉजिटिव पाए गए। 4 दिनों में ऐसे मामले बढ़े हैं। 12 जुलाई को बिहार में 72 नए मामले आने के बाद राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 778 हो गई थी। इसके बाद लगातार लोग कोरोना का वो मात देकर ठीक भी हुए। 15 जुलाई को 110 लोग कोरोना से ठीक हुए। इसके बाद भी बिहार के एक्टिव मामलों में कमी नहीं आई। 15 जुलाई तक एक्टिव मामलों की संख्या 796 हो गई। एक्टिव मामलों पर काबू पाना ही बड़ी चुनौती है। संक्रमण के मामले जब तक कम नहीं होंगे, एक्टिव मामलों की संख्या में कमी नहीं आएगी। कोरोना के संक्रमण का आंकड़ा बढ़ने के साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। बिहार में 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हुई है। इसमें पटना के भी 2 लोग शामिल हैं। बिहार में कुल मरने वालों की संख्या अब 9,625 हो गई है, जबकि पटना में यह संख्या 2,329 है। कोरोना वार्ड में अब भी मरीजों की संख्या काफ़ी कम नहीं है। पुराने भर्ती मरीजों में जिनकी हालत में लंबे समय से सुधार नहीं हुआ है, उनकी मौत हो रही है। ऐसे मरीज अभी अस्पतालों में कम नहीं है। चलिए आपको नए संक्रमण के टॉप 5 जिले बताते हैं। सबसे पहला जो है वो राजधानी पटना है। जी हाँ, राजधानी पटना में 134 संक्रमण के नए मामले मिले हैं कोरोना संक्रमण के। दूसरा है भागलपुर। भागलपुर में 9 एक्टिव मरीज मिले हैं और पूर्वी चंपारण में नए 9 एक्टिव मरीज मिले हैं। रोहतास में भी आंकड़ा 9 है। जी हाँ, क्योंकि जो नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं उनमें ये 5 टॉप जिले जो हैं मुजफ्फरपुर में शामिल है। मुजफ्फरपुर में 6 मिले हैं, यानी 134 और 9 भागलपुर, 9 पूर्वी चंपारण, 9 रोहतास, 9 मुजफ्फरपुर में 6 नए एक्टिव मरीज मिले हैं। तो समझ सकते हैं कि संक्रमण का जो दर है कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। अनलॉक में भी आप लोगों को काफ़ी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। भीड़भाड़ वाले जगहों पर ना जाएं, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी ज़रूर करें, क्योंकि कोरोना का जो संकट है वो अभी गया नहीं है। नए मरीज मिलने अब शुरू हो गए हैं, इसलिए सावधानी बरतनी काफ़ी ज़रूरी है।